बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है। जैसे जैसे देखो हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं, खनिज संसाधन, मृदा संसाधन, भूमि संसाधन, जल संसाधन किसके रूप है? भूगोल के रूप है। और इन्हीं पे हम क्या है? निर्भर है। अगर हम उन पे निर्भर है तो ये नितांत आवश्यक है कि हमें भूगोल पढ़ना ही पड़ेगा। आदिम समाज ने अपने भरण पोषण के लिए, यानी पहले की जो प्रजातियां थी कहाँ रहती थी? जंगलों में रहती थी। और जंगलों में रहती थी तो क्या करती थी? कंद मूल फल फूल इकट्ठा करती थी। तो ये बहुत बड़ा बात हुआ ना सरकार की तरफ से। तो सरकार यहाँ सेंटर खोली है, वहाँ पर तुम लोगों को जो है जाकर के अपना एडमिशन लो। कैसे बताया जाता है उस हिसाब से जाकर के उसका प्रशिक्षण लो। सीख जाओगी तो भविष्य में तुमको बहुत काम आएगा, भविष्य में काम आएगा ना। अरे सिलाई मशीन सीखोगी तो कपड़ा सीख सकती हो, कुकिंग सीखोगी तो घर का खाना बना सकते हैं। सुनो सर, जो बात अभी कर रहे हैं कुशल युवा कार्यक्रम की, उसके बारे में तुम जानती हो? ट्रेनिंग ली हो? तुम्हारा कोर्स पूरा हो गया कि चल ही रहा है? हो गया, पूरा हो गया। क्या सब होता है वहाँ सो बताओ। वहाँ पे जाना है और फिंगर लगाना है जी। उसके बाद 3 मंथ का कोर्स होता है। उसमें होमवर्क भी बनाने के लिए देते हैं, ट्वीट बनाने देते हैं, क्या क्या चैलेंज, ग्रामर से आता है क्वेश्चन, स्पेलिंग टेस्ट होता है, ये सब कम्प्लीट करना पड़ता है। कितना बड़ा रूम है वहाँ? हॉल कितना बड़ा है? बड़ा नहीं, कितना मैंने बैठने का कितना कैपेसिटी? एक ही रूम है कि अलग अलग रूम है? एक पढ़ने, एक लैब रूम है, एक क्लास रूम है। जैसे बैठने का कंप्यूटर होगा? हाँ, बहुत है, कंप्यूटर है उसमें। 30-30 हाँ 30-40 तक हो। 30-40 किस जगह ट्रेनिंग ली हो तुम? ब्लॉक रोड, ब्लॉक वाला में KYP, वो भी KYP ही है। अच्छा अच्छा। वहाँ 30 है कि 40 है? गिनी नहीं होगी, अंदाज नहीं करी होगी। हाँ अंदाज 30 होगा। 30 है। और बैठने का लड़कियों का एक बार में कितनी लड़कियाँ करती है? अलग अलग होता है क्लास ना, दो दो घंटा का होता है, 2 घंटा का लैब होता है, 2 घंटा का क्लासरूम होता है। तो 2 घंटा के लिए तो जो एक बार बैठी वो 2 घंटा का उसको माने चलाती हूँ। सबका टाइम अलग अलग होता है ना, जैसे हम लोग का 1 से हो गया 3, फिर 3 से हो गया एक सेशन, एक सेशन 2 से 3 हुआ ना। हाँ 1 से 3 हुआ क्या 2 घंटे? हाँ, 1 से 3 हुआ एक सेशन। हाँ एक सेशन वाले जब तक रहेंगे 2 घंटा तब तक तो दूसरी लड़कियाँ नहीं आ सकती है। नहीं, नहीं। तो उसके बाद जब दूसरा वो सेशन खत्म होगा उसके बाद तुम लोग जाओगी उसमें लैब में, वहाँ पर दूसरी लड़कियाँ बैठेगी। तो कितना सेशन होता है, कितने बजे से कितने बजे तक का है? पहले तो 4 घंटा का होता है, 2 घंटा का क्लासरूम होता है और 2 घंटा का लैब होता है। कर रहे हैं जैसे तुम गई 30 लड़कियों का एक साथ में करेगा ना जी, तो कितना सेशन होता है? एक सेशन होता है या दो होता है? दो सेशन होता है, 4-4 घंटे का 2 सेशन होता है। तो दो माने कंप्यूटर सिखाया जाता है 2-2 घंटा जी, वही ना जी। उसके बाद फिर माने एक बार में 60 लड़कियां ही वहाँ पर माने एडमिशन ले सकती हैं 2 सेशन में। अच्छा क्या सब सीखी है वहाँ से बताओ? वहाँ जाति आवासी आई वो सीखी हो क्या सो? कंप्यूटर में क्या सीखी हो सो बताओ। उसमें ट्वीट बनाना सीखे हैं, टेक ए चैलेंज बनाना कैसे बनाया जाता है वो सीखे हैं, ग्रामर को क्वेश्चन आता है वो बनाना सीखे हैं। सिखाने वाले कितने रहते हैं वहाँ टीचर? 4 रहते हैं। हाँ। 30 कंप्यूटर पर 30 लड़कियों पर 4 माने वो रहते हैं टेक्निशियन जो सिखाते हैं। तुम भी सीख रही हो? तुम तुम्हारा कोर्स पूरा हुआ कि बाकी है? सर अभी कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। तू क्या सब सीखी हो अभी तक सो बताओ। ट्यूट बनाना सीख रहे थे और सीख ही रही है। कितना दिन बाकी है तुम्हारा? तुम लोगों को समझ में आई बात है? जो भी लड़कियाँ इंटरेस्टेड हो उसमें घर से आने के लिए फैसिलिटी भी चाहिए। टाइमिंग क्या है उसका? कॉलेज का बाद का टाइमिंग है या कॉलेज के ही माने टाइमिंग में? नहीं, टाइमिंग 11 बजे से है। 11 बजे से कॉलेज का टाइम में ही हो गया ना वो? कॉलेज के बाद में कर सकती है सब, 1 बजे से भी स्टार्ट होती है। 1 बजे से है ना? तो यहाँ पर दोनों में से एक ही चीज होगा, या तो कॉलेज अटेंड करें। नहीं नहीं, कॉलेज अटेंड करके करने के बाद भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कॉलेज अटेंड करने के बाद कर सकते हैं। कितना बने वहाँ जो जहाँ जो बने हैं जो टाइमिंग जो है उसका 1 से 3 जी और 3 से 5 जी। और उसमें तो सेशन एक ही हुआ ना, उसके बाद क्या है? उसके 11 बजे से भी है क्या?
अच्छा, तुमको ऐसा लग रहा है कि जो तुम सीख रही हो उससे तुमको कुछ लाभ मिलेगा, ऐसा फीलिंग हो रहा है? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, क्या नहीं होगा, सोच रहे हैं इसलिए तो किए हैं। तुम लोग भी इससे प्रेरणा लो, ये सीनियर बैच है, लोग सीख रही है, तुम लोग भी सीख लो, और तुम्हारे हित की बात है, तुमको भी, तुम ही को फायदा करेगा। हर लड़की को हर गुण होना चाहिए क्या, पढ़ाई के साथ, हर लड़की को हर गुण होना चाहिए पढ़ाई के साथ। चलो अच्छी बात है, धन्यवाद तुम दोनों को भी।